महिला ने अपने पति पर लगाया आरोप, कहा कि बेटी को बेचने निकला था पति। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के रहने वाली महिला ने अपने पति पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति आरिफ के साथ 24 फरवरी 2001 में सारे रीति रिवाजों के साथ शादी की गई थी। महिला का कहना है कि उसका पति आरिफ स्वास्थ्य विभाग मलेरिया कार्यालय नगर निगम के सामने जनाना नए अस्पताल में मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करता है। महिला का यह भी कहना है कि उसके 6 बच्चे हैं। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसके पति आरिफ का व्यवहार महिला के लिए हमेशा उसके खिलाफ रहा और उसके साथ लगातार मारपीट करता रहा। इसमें महिला का कहना है कि 24 जून सन 2022 से 10 जुलाई 2022 तक घरेलू विवाद चलता रहा, जिसमें महिला का पति आरिफ ने महिला के साथ जबरदस्ती कर मारपीट की और महिला ने कहा कि इसका पति घर में महिला को बंद करके लगातार मारता रहता था। महिला ने बताया कि 10 जुलाई 2022 को वे भाग गया और दूसरी औरत के संपर्क में रहा और उससे शादी कर ली। महिला का कहना है कि उसका पति महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता है और महिला के साथ मारपीट व अश्लील हरकतें भी करता था। महिला का कहना है कि इसकी एक बेटी भी है, जिसे मोहम्मद आरिफ एक बार उसकी बेटी को कहीं बेचने के लिए लेकर चला गया था। महिला का कहना है कि बामुश्किल उसने अपनी बेटी को उससे छुड़ाया। महिला का कहना है कि मैं लगातार पुलिस से शिकायत कर करके थक चुकी हूँ, मगर महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला ने बताया कि थाना मझोला पुलिस को वह लगातार शिकायत कर रही थी, मगर थाना मझोला पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी। जब महिला ने थाना मझोला पुलिस से रो रोकर इंसाफ की गुहार लगाई तो थाना मझोला पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई, मगर महिला का कहना है कि ना तो कोई पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की गई और ना ही कोई सख्त कार्रवाई की गई। महिला का अपने पति पर यह भी आरोप है कि महिला के पति ने महिला को एक बार निर्मम अवस्था से घर से बाहर निकाल दिया था। महिला का कहना है कि मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी महिला कई बार शिकायत कर चुकी है और प्रार्थना पत्र दे चुकी है, मगर महिला का कहना है कि उसकी यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि वह जब भी पुलिस से इंसाफ मांगने जाती है तो उसे पुलिस कोर्ट का रास्ता दिखा देती है। महिला ने बताया कि पुलिस बार बार महिला को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहती है। महिला ने आखिर में फिर मजबूर होकर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि अगर इस बार महिला की सुनवाई नहीं की गई तो महिला के पति के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो महिला ने कहा कि वे अपने 6 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेगी। महिला का कहना है कि वे पुलिस प्रशासन और अपने पति से तंग आ चुकी है, तंग आकर उसने खुदकुशी की बात कह डाली। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना खातून है, पत्नी। जी, मेरे पति जो है 24 फरवरी 2001 में मेरी उनसे शादी हुई थी और जब से शादी हुई है तब से जो है वो मेरे साथ मारपीट, तंगदस्ती और बहुत कुछ मेरे साथ घटनाएं होती रहती हैं बराबर। और 24 जून को वो मुझसे बहुत ज़्यादा मारपीट की और तलाक भी बोला और फिर इसके बाद पुलिस में हमने कंप्लेन भी की मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। फिर 10 जुलाई को मेरे पति घर छोड़कर मतलब मारपीट किया और घर छोड़कर वो भाग गए तलाक देकर 3 बार। उसके बाद से मैं लगातार जो है एप्लीकेशन हर जगह मैंने लगाई, जनता दरबार में भी गई, स्वास्थ्य विभाग भी गई, सब जगह मैंने अपनी गुहार लगाई मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। SSP कार्यालय में बहुत बार मैंने एप्लीकेशन लगाई, पेश हुई, DM के पास भी गई, मगर जो है सब कहते हैं कि जाओ कोर्ट से करो, हम नहीं कुछ कर सकते हैं तुम्हारा, अला भला। अब मैं अपने 6 बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है कि मैं इन 6 बच्चों को पालूं। मेरे पति जो है 6 बच्चों समेत मुझे छोड़कर तलाक देकर भाग गए हैं घर से। 22 साल होने जा रहा है, 2001 में हुई थी 24 फरवरी। ये शुरू से ही ऐसे थे, अय्याश किस्म का आदमी था, घर में औरतों को लाते थे और जब मैं इस पर विरोध करती थी तो वो मुझे मारते पीटते, यहाँ तक कि निर्वस करके मुझे घर से बाहर भी निकाल देते। मुझे जो है ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने अश्लील वीडियो भी बनाई कि मुझे तलाक दे दे, कोर्ट में चलकर दे दे, नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल करूँगा। और भी बहुत सी घटनाएँ, कभी शॉट लगा के मारना, कभी तंग दस्त की भूखा मार देना, कभी कुछ कर देना, यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी जो हमारी 21 साल की बेटी है उसे
आत तब हो गई कि जब उसे वो बेचने जा रहे थे कि ये मेरी चश्मदीद गवाह है, मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं इसे बेच दूंगा कोटे पर, तुम दोनों माँ बेटियों से धंधा कराऊंगा। इस तरह की वाहियात बातें जब करने लगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरा बेटा भी उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा मेरा 18 साल का है जो लखनऊ में रहता है, और बेटी भी। जब उन्होंने इस तरह की घटनाएं होने लगी तो मैंने अपने दोनों बड़े बच्चों को अपने माँ के पास लखनऊ भेज दिया। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मेरी एक विधवा माँ है, मेरी शादी आजमगढ़ फूलपुर माहुल में हुई थी। आपका पति क्या कर रहा है? मेरे पति मलेरिया इंस्पेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग टाउन हॉल पर, जी हाँ, मुरादाबाद में। मोहम्मद आरिफ नाम है।